सोनू बाबा, ये बताइए, अभी एक खेसारी जी के मैनेजर विवेक सिंह का एक ऑडियो वायरल है जातिवाद के लिए, क्या उस पर कहना चाहते हैं? नहीं तो ये गलत है, किसी को गाली गलौज करना गलत है, है ना? जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, किसी को गाली देना गलत है, उसको हम बात से भी समझा सकते हैं। और दूसरा एक भी ये भी पहलू है कि हम लोग के पास इतना काम होता है ना, हम लोग के सर पे इतना प्रेशर होता है, कोई ये समझे कि हम लोग अकेले बैठे हुए हैं मोबाइल लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक स्टार का मैनेजर होना, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी को संभालना, उसके चीज़ों को मेंटेन करना, हर चीज़, हर किसी को रिस्पांस देना, हर किसी को टाइम से जवाब देना, वो व्हाट्सअप हो, मैसेज हो, मेल हो या कोई भी चीज़ हो, फ़ोन हो, मुमकिन नहीं है। क्योंकि बहुत हम लोग रात भर 2 बजे तक आदमी जगता है, क्यों? क्योंकि सबका रिप्लाई, सबको मैसेज, फ़ोन वगैरह करता है, उसमें कुछ छूट जाता है। बहुत लोग गाली गलौज इस तौर पे आ जाते हैं क्योंकि उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता, उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बात बताइए, हम लोग भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मैं भी बाथरूम जाता हूँ, मैं भी नहाता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे काम है कि जो जीवन में करना ज़रूरी है, तो आदमी करता है तो उस टाइम पर आदमी फ़ोन नहीं उठा पाता है, और कोई इरिटेट करके बहुत सारा गंदा भी मैसेज भी करता है, तो हम लोग को बुरा लगता है कि कोई हमको समझता नहीं है। हम लोग के पास 3-3, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोग इस चीज़ को शायद नहीं समझेंगे, ये फ़ोन है, देखिए मेरा पर्सनल फ़ोन है, है ना? इस पर अभी आप कैमरा थोड़ा नज़दीक कीजिए, एक बार दिखाना है मुझे ताकि लोग समझें इस चीज़ को। ये कैमरा नज़दीक कीजिए, एक बार कैमरा नज़दीक कीजिए, ये देखिए, इस ये मेरा एक पर्सनल फ़ोन है, इसमें आप देखिए चैट में, ये देखिए 385 मैसेज पड़े हुए हैं जो आज के हैं, ठीक है? और ये मेरा जो मैनेजर वाला फ़ोन है ये, ठीक है, भैया का फ़ोटो है इसमें, आप देखिए मैं व्हाट्सअप खोलूँगा तो आपको अभी दिखेगा, इसमें देखिए ये 8834 मैसेजेस पड़े हुए हैं, देखिए ये सब किसी हो तो दूसरे पे कॉल आ सके, तो हमको पता लग सके कि कॉल है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग की स्थिति हम लोग समझते हैं, हम लोग किसी का जल्दी रिप्लाई नहीं हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमको रिस्पांस नहीं दिया, हम लोग कितने परेशानी में रहते हैं, और उस परेशानी में कोई फ़ोन करके उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है तो लाजमी है कि उस पर आदमी जवाब, क्योंकि हम लोग को भी तो गुस्सा आता है ना, हम लोग भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, काम करके इतना टेंशन रहता है, ये काम वो काम, और उसमें कोई मान लीजिए कभी आदमी का मुंडी ऑफ हो और उसी टाइम में आप कॉल कर दें तो आदमी जवाब देता है। लेकिन मैं भी काम करता हूँ तो मेरा भी मूड ऑफ रहता है, लेकिन मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता हूँ और मेरे संस्कार। 8 साल का मैनेजर रहे हैं, अभी तक कोई भी ऑडियो वायरल नहीं हुआ है, ना ऐसा स्टेटमेंट आया है मीडिया पर कि आप विवाद में रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही दिन के मैनेजर हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि अपना अपना काम करने का तरीका होता है, है ना? मैं अपने स्टाइल से काम करता हूँ, मैं 8 सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आज जो कुछ भी है वो, देखिए आज जो स्टार है उनसे ज़्यादा, लोग बोलते हैं ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होना है, समझ रहे हैं ना, कि मतलब स्टार से ज़्यादा मैनेजर गर्म है, तो वो गलत बात है कि गर्म, तो वो चीज़ देखिए हम लोग को तो जो स्टार है ना, कहीं हम जाएं तो हमारे स्टार को कोई फ़ोन करके ये बोले कि सर आपने जो मैनेजर रखा है ना आपसे भी व्यवहार में ऊपर है, तब उस स्टार के लिए पॉजिटिव है। अगर कोई आपको ये फ़ोन करके बोलता है कि नहीं आपके मैनेजर ने मेरे से तमीज़ से बात नहीं की, आपके मैनेजर ने ये तरीक किया गया, एक तो वो थोड़ा सा गलत लगता है, कहीं ना कहीं उससे स्टार की वैल्यू या स्टार का स्टारडम या बहुत सारी चीज़ों पे, इमेज पे, खासकर इमेज पे ना। अगर आप जातिवाद करेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे, नहीं? मैं तो देखिए, मैं तो आपने बताया ना, मैंने 8 साल से कभी किसी का जातिवाद, या हम लोग, हमारे एक सिंगर हैं, जातिवाद की बात आपने बोला तो मैं उसमें बता रहा हूँ, हमारे एक सिंगर हैं देवानंद देव जी, है ना, आप जानते भी होंगे, पूर्वा बिहार करके एक उनका गाना आया था, बहुत हिट था, तो वो जाति से शायद चमार जाति से आते हैं, हरिजन जाति से आते हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, है ना, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में, लेकिन आप उनसे कभी मिलिएगा, पूछिएगा उनसे कि मैं उनके साथ बैठ के एक थाली में हम लोग खाते थे और हम लोग एक साथ सोते थे ऑफिस पे, खेसारी भैया भी उनको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट पे खेसारी जी एक्शन लेंगे? खेसारी जी को पता चलेगा तब ना एक्शन लेंगे, वायरल जी, तो वायरल है तो खेसारी जी के पास अगर जाएगा तो ज़रूर, जैसे अगर मेरे से गलती होती है, अगर कोई गलती होती है तो खेसारी भैया मुझे भी बोलते हैं कि बेटा आपने ये गलती किया है, क्यों किया है, तो आदमी उस चीज़ को
स्वीकारता है कि नहीं मैंने गलती किया है, अगर मैंने गलती किया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो सुनने के लिए हकदार हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, है ना। तो वो चीज़ अभी भैया को पता नहीं होगा, अगर पता चलेगा तो ज़रूर इस चीज़ का जो भी रिएक्शन रिएक्शन है वो आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। इससे खेसारी जी का छवि खराब हो रहा है, खेसारी जी के ये छवि खराब, कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव होगा, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगा। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। मैं कभी भी भैया ने मुझे, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि मैं खेसारी जी का मैनेजर हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, मैं और लोगों से भी कोई आता है तो मैं बोलता हूँ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और वो भी किसी को बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, सोनू से बात कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग का ऐसा रिलेशन है कि उसमें कभी मैनेजर और बॉस आया ही नहीं है ना, पर मैं उनके घर पे रहता हूँ, मैं बॉम्बे उनके जहाँ बंगलो है वहाँ पे रहता हूँ, और उनकी वाइफ जो भाभी हैं वो भी मुझे बहुत प्यार देती हैं और बेटी की तरह मानती हैं, और खेसारी भी मुझे बेटी की तरह मानते हैं, उनके बच्चे तो हमेशा चाचू चाचू, और एक पारिवारिक रिलेशन है। तो मुझे ये चीज़ ख्याल रहता है कि भाई अगर मैं एक शब्द बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे भाई पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और उन पे असर पड़ेगा। तो देखिए हम तो मतलब इतने छोटे हैं या इतने वो हैं कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो शायद मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई कुछ बोल भी देगा तो फ़र्क नहीं, लेकिन उनके बारे में कोई एक शब्द बोलेगा तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, और बहुत सारी बातें हैं उसमें, क्या कहना है। चलिए लास्ट सवाल सोनू जी, ये बताइए आप मीडिया के कैमरे पर क्यों नहीं आते हैं बरोबर? मीडिया के कैमरे पे बरोबर से दूरी बनाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए मैं आखिर वहाँ पे क्यों हूँ ये आप बताइए, मैं खेसारी जी के पास क्यों हूँ? मैं खेसारी जी का काम करने के लिए हूँ ना जी। तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो पाऊँ या चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि मैं क्यों हूँ? मैं काम करने के लिए हूँ, और मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम है, तो मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, ना कि अपनी पब्लिसिटी। मैं अपनी पब्लिसिटी करता तो नाम से मुझे सारे लोग जानते हैं, मेरे बिहेवियर से सब लोग जानते हैं कि सोनू पांडे है, खेसारी जी के साथ काम करते हैं, उनके नज़दीकी हैं, उनके मैनेजर हैं, उनके भाई हैं जो सब कुछ देखते हैं संभालते हैं, लेकिन कोई मेरा चेहरा नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम में, क्योंकि मुझे खेसारी लाल का पब्लिसिटी करना है, ना कि मुझे अपना पब्लिसिटी करना है। मेरे को अपने हाईलाइट थोड़ी करना है, मुझे थोड़ी स्टार बनना है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अरे खेसारी जी के साथ हो तो तुम क्यों नहीं हीरो बन गए, तुम क्यों नहीं इस फिल्म में काम कर ले, तुम क्यों नहीं यहाँ चले गए, तुम भी अच्छे दिखते हो। तो ये जो बोलते हैं ना कि अच्छे दिखते हो या तुम क्यों नहीं काम करते हो, वो कहीं ना कहीं मेरे हमारे दो भाई में विवाद करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं कि ये बोलेगा तो कल वो गुस्साएंगे। मेरा जो काम है, मैं आज तक अपने काम से भटकता, मेरा काम है मैनेजर का, मेरा काम है मैनेज करना, मेरा काम है सबका ख्याल रखना, मेरा काम है उनकी चीज़ों का ख्याल रखना। देखिए मैं मेरा पहले अभी मेरा शरीर देखिए और पहले का शरीर मेरा फ़ोटो देखिएगा, कभी मैं बहुत पतला दुबला था। तो भैया का लोग बोलते हैं, मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार खेसारी जी इतने फिट रहते हैं, तुम यार उनके साथ रहते हो फिट नहीं रहते हो। तो क्या है कि खेसारी भी अपना काम करते हैं, काम करने के बाद उनको टाइम मिलता है तो फिर हम लोग के पास उतना भी टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं ना कि ये चीज़ नहीं हुआ वो चीज़ नहीं, तो उसमें आदमी बिजी रहता है, बहुत लेट तक सोता है, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं हुआ, भागना आदमी भागते इधर भागो उधर भागो, भैया का भी वैसा ही शेड्यूल है, तो वो सब चीज़ बहुत मायने रखता है। एक स्टार के स्टारडम को मेंटेन करके चलना और रहना बहुत बहुत बड़ी बात है, और उसको मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। मैं 8 साल से मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारा त्याग किया हूँ तब मेंटेन करा। मैं भी किसी को गाली दे सकता था, मैं भी कुछ कह सकता था, मैं भी विवाद में आ सकता था हाईलाइट होने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईलाइट होने के लिए विवाद में आ जाते हैं, बहुत ऐसे इंडस्ट्री में लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं, वो लोग हाईलाइट होने के लिए मीडिया में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो वैसा मेरा काम नहीं है, मुझे हाईलाइट नहीं होना है, मेरे को अपने काम से मुझे जानते हैं लोग, और आज भी मुझे काम से जानते हैं और बाद में मुझे काम से जानेंगे। मैंने अपने पंचायत में इतना काम किया है, कोई नहीं बोल सकता है कहीं मैंने फेसबुक पे डाला है किया है, कभी नहीं, ऐसा पब्लिसिटी में करता नहीं हूँ। सोनू पांडे के कहना है कि मेरा साफ सुथरा छवि है, ये सोनू पांडे का बयान है, यानी विवाद से कोई मतलब नहीं है, जो जो जैसा करनी वैसा भरनी। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, छपरा, बिहार।